लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आइए सेठ मनोहरलाल जी, वैसे मेरे जीजा जी सरकारी काम के लिए तो घर पे मिलते ही नहीं, लेकिन मैं साला जैसे साली आधी घर वाली, वैसे मैं ज्वाला साला आधा घर वाला। आपका काम तो सेठ जी, आपके पास एक 500 रुपए है? जैसे ही मैं आपको इशारा करूं, आप फौरन नोटों का बंडल जीजा जी के हाथ में रख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आइए। अरे बच्चो, नमस्ते मामा जी। अरे अरे सूर्या बेटा, चंदा बिटिया, तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटा? वाला तुम? अरे जी जी, प्रणाम। सुबह सुबह कैसे? ओ कुछ काम था जीजा जी से। जीजा जी हैं कहाँ? तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। आइए। खेलो बेटा खेलो। आइए सेठ जी। अरे ज्वाला, कैसे ना हुआ? प्रणाम जीजा जी। जीजा जी, ये सेठ मनोहर लाल जी। नमस्ते। अपनी साई सौ मिल के मालिक। साई सौ मिल, हाउ आर यू? जीजा जी बेचारे बहुत परेशान है। इनका ये महीने का बिजली का बिल 25,000 रुपए आया। ओहो, मैंने इनसे कहा भाई सरकार की तिजोरी में डालने से तो अच्छा है हमारे जीजा जी की झोली में डाल दो, इनका भी फायदा और आपका भी फायदा है ना। वो तो ठीक है ज्वाला, मगर मीटर रीडिंग कम करने के लिए। अरे जीजा जी घबराइए मत, मैं आपका साला, मैं चाबी और आप ताला। सेठ जी, 10,000 रुपए। अच्छा ज्वाला आपके साथ आया तो मैं मना तो नहीं कर सकता। आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बिल 2,500 का हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। सेठ जी मैं रात को भोजन पर आता हूँ आपके घर। सुनिए, मैं बाजार जा रही हूँ प्रभात के लिए डफ खरीदने। क्या उसे मदारी बनाओगी? उसके पढ़ने के दिन है या डफली बजाने के? बच्चा है, उसका शौक है तो मैंने सोचा कि मेरा शौक तो एरोप्लेन चलाने का होगा, तो क्या तुम उसे एरोप्लेन खरीद कर दोगी? कोई जरूरत नहीं डफली वफली खरीदने की। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। जीजा जी मेरा हाथ कब से खाली है? तो खाली रहने दो साले। जी जी तुमने मूड खराब कर दिया जीजा जी का। जी जी मैं जब भी इस घर में आता हूँ तुम्हारे प्रभात की कुछ ना कुछ मांग जरूर रहती है। तुमने अपने बच्चों के लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा, इस सौतेले से इतना प्यार क्यों है? खबरदार ज्वाला, फिर कभी तूने प्रभात को मेरा सौतेला बेटा कहा तो उसके शरीर में मेरा खून ना सही, लेकिन मेरी गोद की गर्मी पाकर बड़ा हुआ है वो। सबसे पहले मुझे माँ मेरे प्रभात ने कहा है। प्रभात मेरा सबसे बड़ा बेटा है। बेबी घर चलो, अगर साहब लोगों को पता चल गया कि आप प्रभात के साथ खेलती हैं, तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, हम उन्हें घर से निकाल देंगे। नहीं बेटे, अपने माँ बाप के लिए ऐसी बातें नहीं करते। तुम तो जानती हो मौसी, हमें पाने के लिए हमारे मम्मी डैडी ने कितनी पूजा पाठ की, और जब भगवान ने हमें भेज दिया तो हमें वो डांटते हैं। अच्छा क्या कहते हैं? कहते हैं प्रभात के साथ मत खेलो, उससे दोस्ती तोड़ दो। क्यों प्रभात, तुम हमें छोड़ सकते हो कभी? बिल्कुल नहीं, अगर तुम नहीं आओगी तो मेरी डफ पे कौन नाचेगा? पर ये बात मेरे मम्मी डैडी नहीं समझते हैं ना। एक बात बोलूं मौसी? बोलो बेटे। प्रभात को हमसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, चलो अब जल्दी घर जाओ। चलो ड्राइवर, बाय। अच्छा। बहुत तेज लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है माँ। अच्छा चलो अब मैं डफ बजाऊंगा और तुम नाचोगी। मैं? चल चल, मुझे क्या नैना समझ रखा है? ना हो ना मेरी प्यारी माँ, नाचो ना। नहीं बाबा। Thank you.
बेटा कुछ बोलने की कोशिश करो बेटा, बोलो बोलो बोलो, माँ माँ कुछ बोलने की कोशिश करो बेटा, हाँ बोल बेटा, बोलो बेटा कोशिश करो बेटा, बोल हाँ हाँ बोल बेटा, बोलो बोलो बेटा, हाँ हाँ बेटा कोशिश कर, कोशिश कर, बोल बोल बोलो बेटा, बोल बेटा, माँ बोल बेटा, कोशिश करो बेटा, माँ बोल बेटा, बोल हिम्मत कर बेटा, बोलो प्रभात। इसके गले की नसें बहुत बुरी तरह दब चुकी हैं, यह बच्चा अब बोल नहीं सकेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे के साथ, जीजा जी मैं ज्वाला साला सच्ची बात कहता हूं, ये तो हो गया जिंदगी भर के लिए गूंगा, अब इससे कोई उम्मीद नहीं रखना, उल्टा ये अब आप पर जिंदगी भर के लिए बोझ हो गया। ज्वाला बच्चे कभी माँ बाप पे बोझ नहीं होते। ये बच्चा नहीं पिछले जन्म का दुश्मन है मेरा, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, अब जीते जी मुझे नोच नोच कर खाएगा। ये गूंगा होने के बजाय मनुष्य मर गया होता तो अच्छा होता। ये गूंगा होने के बजाय मनुष्य मर गया होता तो अच्छा होता। ये गूंगा होने के बजाय मनुष्य मर गया होता तो अच्छा होता। प्रसाद है। क्या बात है? सरकार की बिजली के चोरी के जुर्म में द्वारका प्रसाद ने मनोहर लाल का साथ दिया है। इन्होंने इस काम के लिए मनोहर लाल से रिश्वत ली है। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानता तक नहीं। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। अगर मैं चलूं तो? मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। भीख मांगेंगे भीख। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भीख नहीं मांगेगा, मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊंगा।